हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं कुछ कटिंग लगाने जा रही हूं जो मुझे बिल्कुल फ्री में मिली है। तो इस मौसम में आप फ्री के ढेरों कटिंग लाइए, फिर उसके बाद लगा दीजिए, आपके गार्डन में नए नए प्लांट तैयार होते रहेंगे। तो जैसा कि देखिए, मैं भी कटिंग मांगने में हिचकिचाती नहीं हूँ। कहीं भी जाती हूँ तो मेरा मन हमेशा जो है पौधे के ऊपर लगा रहता है कि इनके यहाँ पौधा लगा है कि नहीं लगा है। अगर लगा रहता है तो फिर भैया ये कटिंग हमको दे दीजिए, ये सब चलता रहता है दिमाग में। सफ़र में भी जाते हैं तो जो सड़क के किनारे किनारे प्लांट लगे रहते हैं उस पर भी ध्यान जाता है हमारा। तो मैं अधिकतर जो है अपने पर्स में सीजर रख के चलती हूँ ताकि कहीं भी कोई पौधा दिखे तो कट करके ले लूँ। तो दोस्तों, छोटा सा गार्डन है और जगह भी बहुत ही कम है, फिर भी जो है ऐसा विचार आते रहते हैं हमारे मन में। ये देखिए, ये सकुलेंट प्लांट की कटिंग है और ये मेरे गार्डन में पहले था लेकिन ख़राब हो गया, तो मैं इसे भी ले ली। और फिर कुछ सकुलेंट हैं और कुछ जो है फूलों वाले हैं। ये देखिए, मॉस रोज की कटिंग बहुत ही अच्छी लग रही है, तो इन्हें भी हम लगाएंगे। और इस मौसम में आप भी जो है ढेर सारी कटिंग लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। हाँ, कुछ जो सकुलेंट प्लांट है दोस्तों, उन्हें बारिश के पानी से बचाना पड़ेगा, इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, इनकी बात करें तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, कोशिश करेंगे देखते लगता है कि नहीं लगता है। ये इनकी भी यही बात है, ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे स्ट्रिंग अप बनाना, कुछ प्लांट की कटिंग मुझे पता है, कुछ प्लांट की कटिंग के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों, इन सबको मैं लगाऊंगी। और ये देखिए, ये लाल लाल बादशाह शायद बोलते हैं इसको। देखिए, मैं हैंगिंग बास्केट में जो है मिट्टी भर ली हूँ और इसमें केवल रेत है और मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी है, मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलाई हूँ। इसी में मैं ग्रो करूँगी, सारी कटिंग को इकट्ठा लगा दूँगी, फिर उसके बाद बिल्कुल छांव में रखूँगी क्योंकि इस समय जो है ना उमस ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा है, बारिश कभी कभी हो जा रही है। तो दोस्तों, इन्हें बचाना है नहीं तो ये बिल्कुल बेकार से हो जाएंगे। वैसे कोशिश मेरी यही रहती है कि हमारी जो भी कटिंग हो लग कर तैयार हो जाए, बाकी जो भगवान के ऊपर है। तो दोस्तों, मैंने देखिए मिट्टी भर के पानी भी इनके ऊपर डाल दी हूँ ताकि कटिंग लगाने के बाद मुझे पानी ऊपर से न डालना पड़े। इससे क्या होता है कि कटिंग थोड़ा हिलती डुलती तो ख़राब हो जाती है। इस तरह से इनकी जो ब्रांचेस बहुत ही नाजुक है, इस तरह से भी हम लगा सकते हैं लेकिन इस तरह से लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, ब्रांचेस इनकी नीचे से मुड़ भी सकती है तो कटिंग लगने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैं छोटा सा होल बनाऊंगी, होल बनाने के बाद बिल्कुल आराम से जो है इन्हें रख दूंगी ताकि जो है हमारी कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, इस तरह से हम रख देते हैं, ये सही तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप भी जो है गार्डन बनाना चाहते हैं, जैसे शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस मौसम में आप कटिंग लगा लीजिए बिल्कुल आराम से, छोटे बड़े पॉट में, डिब्बे में, जो भी हो। और फिर उसके बाद जब कटिंग आपकी लग जाती है तो आप जो है उन्हें निकाल के बड़े बड़े कंटेनर में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्री का गार्डन भी आपका तैयार हो जाएगा और एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो शुरुआती दौर में ऐसा ही करना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, मैंने इन्हीं लगा दिया, अब मैक्सिल पिटूनिया की भी कटिंग लगाने जा रही हूँ। तो नीचे की जो भी पत्तियाँ हैं मैं इसे हटा देती हूँ और फिर उसके बाद जो है लगने में भी कुछ समय लगेंगे, ऐसी बात नहीं है कि 10 दिन में या 5 दिन में लग जाएंगे, लगने में टाइम लगे, 1 महीना भी लग सकता है, 25 दिन भी लग सकता है। ये देखिए, इनके नीचे की पत्तियों को तोड़ के हमने बिल्कुल आराम से इस तरह से इन्हें रख दिया, इसे भी हम लगा देते हैं। ये तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं दोस्तों, ये किनारे किनारे से ज़मीन में बहुत बढ़िया से फैलते रहते हैं, इनका बॉर्डर बनता है, तरह तरह की डिजाइनें बनाते हैं लोग। तो इसे भी हम ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, नीचे की पत्तियों को हटाकर इस तरह से। तो दोस्तों, फरवरी के महीने में, बरसात के महीने में कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, लेकिन कटिंग लगाने के बाद हमें बार बार इन्हें नहीं देखना चाहिए कि कटिंग में जड़ें बनी हैं कि नहीं बनी है, इससे कटिंग बेकार हो जाती है। और पानी की बात अगर हम करें ना, तो हल्का हल्का ऊपर से जैसे देख लेंगे कि मिट्टी ड्राई हो गई है तब भी जो है ऊपर से छिड़काव कर देते रहना चाहिए ताकि जो इनकी मिट्टी में नमी बनी रहे, कटिंग लगने में कोई दिक्कत ना हो। और धूप तो इन्हें बस मॉर्निंग की 1 घंटे की मिलनी चाहिए, जो शुरुआत में सूर्य देवता निकलते हैं तो वही धूप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इस तरह से देखिए, और इसका नाम भी नहीं पता है लेकिन अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे भी ले लिया,
देखते हैं कि कटिंग का क्या होता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ मेरी सारी कटिंग लग जाए, इस तरह से दोस्तों करके जो है मैं इन्हें लगा रही हूँ। सारी कटिंग को इसी में मैंने भर के लगा दिया, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे पोर्ट्स नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए इससे भी लगा देते हैं। तो दोस्तों मुझे मिली है बिल्कुल फ्री में, तो मैंने सोचा कि चलिए लगा देते हैं, एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने जो भी कटिंग लाई सबको धीरे धीरे लगा दी, अब इंतज़ार है इनके लगने का। जब ये लग जाते हैं ना तो मैं इन्हें अलग अलग पोर्ट में लगाने की कोशिश करूँगी। लगाने के बाद ये नहीं है कि बस ऐसे ही छोड़ दूँ, थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी होता है। और मेरी आदत है दोस्तों कि अगर कटिंग लगा ली तो मैं बार बार देखती रहती हूँ ऊपर से कि कहीं देखिए किस कौन सी कटिंग हमारी हरी भरी है, कौन सी सूखी है, ये सब जो है बराबर चलता रहता है दिमाग में। जब भी मैं छत पे आती हूँ तो कटिंग देखना नहीं भूलती हूँ कि कौन सी कटिंग हमारी लग गई, तो पानी का छिड़काव कर देते हैं। फिर उसके बाद जब मिट्टी ड्राई हो जाती है ना तो तभी हम इनमें पानी देंगे। तो दोस्तों आप भी जो है ना इस तरह से कटिंग मांग कर जो है नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वैसे भी भैया कहते हैं कि आप तो ढेर सारी कटिंग मांग मांग के लगाते हो, कोई खरीद के लगाई है क्या? तो मैं खरीद के भी लगाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मांगना मेरी आदत हो गई है, कटिंग मांग के लगाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।